हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाई एन क्या होता है और उसका ग्रुप थ्योरी में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाई एन जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। फाई एन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑल द नंबर्स। फाई एन में क्या रहता है, ऑल नंबर्स, ठीक है, विच आर लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। ठीक है, तो फाई एन में कौन सा नंबर रहता है, ऑल द नंबर विच आर लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, जिसका जीसीडी जीसीडी ऑफ ऑल द नंबर, मान लो कोई नंबर एम है जो लेस देन एन है, तो उसका जीसीडी अगर वन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो और अगर इसको अगर हम और जनरली लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई एन में कौन सा नंबर रहता है, ऑल द नंबर्स व्हिच आर लेस देन एन, ऑल द एम्स व्हिच आर लेस देन एन एंड जीसीडी ऑफ एम एंड इक्वल टू अगर वन हो रहा है तो वो सारा एम किस में रहेगा, फाई एन में रहेगा। तो चलो एक दो एग्जांपल देख लेते पहले। तो मान लो अगर मैं मुझे निकालने को बोला कि फाई एन फाई ऑफ सिक्स में फाई ऑफ सिक्स का वैल्यू क्या होता है, तो फाइव ऑफ सिक्स में पहले कौन सा एलिमेंट्स आएगा, फाइव ऑफ सिक्स में वन आएगा क्योंकि वन और एन का वन और सिक्स का जीसीडी वन है। फिर क्या आएगा, टू नहीं आएगा क्योंकि जीसीडी ऑफ देखो जीसीडी ऑफ टू एंड सिक्स वन नहीं है ना, जीसीडी ऑफ टू एंड सिक्स टू है विच इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, वन नहीं होने से वो नहीं आएगा। थ्री और सिक्स, थ्री भी नहीं आएगा क्योंकि जीसीडी ऑफ थ्री और सिक्स थ्री होता है, थ्री भी नहीं आएगा। वन आ गया, टू नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, फोर फोर भी नहीं आएगा क्योंकि जीसीडी और फोर एंड सिक्स इज टू। फिर फाइव फाइव आएगा, ठीक है फाइव आएगा, फिर से सिक्स नहीं आएगा, फाइव आएगा सिक्स नहीं आएगा। सिक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ सिक्स एंड सिक्स इज सिक्स। तो फाइव सिक्स का वैल्यू, फाइव सिक्स में क्या क्या एलिमेंट रहेगा, वन एंड टू, वन एंड फाइव सॉरी। तो फाइव सिक्स का वैल्यू क्या होता है, ये फाइव सिक्स नहीं है, फाइव सिक्स में कौन सा वैल्यू रहेगा, वन एंड फाइव रहेगा। तो फाइव सिक्स का एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा, कितना वैल्यू, कितना एलिमेंट है, टू है। तो फाइव सिक्स का वैल्यू कितना होगा, फाइव सिक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, ऐसे आप लोग जैसे फाइव ट्वेल्व फाइव फिफ्टीन कोई भी किसी भी नंबर का, फाइव सिक्सटीन फाइव सिक्सटीन कोई भी नंबर का आप खुद से निकालने का ट्राई करिए। ठीक है, अभी जैसे छोटा नंबर होने से हम डायरेक्ट देख के निकल सकते हैं, जैसे सिक्स का सिक्स छोटा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट देख के निकल दिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो गया जैसे फाइव हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड, जैसे मान लो फाइव हंड्रेड या फिर फाइव टू हंड्रेड, ऐसा अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे फाइव का वैल्यू, उसके लिए हमें दो रिजल्ट दिया गया है जिसका मदद से हम लोग फाइव का किसी भी एन के लिए फाइव एन का वैल्यू हम लोग निकल सकते हैं, जितना भी बड़ा एन हो। ठीक है, तो रिजल्ट वन, पहला रिजल्ट क्या बोलता है कि इफ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है रिलेटिवली प्राइम, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू वन, ये दोनों बात सेम ही है, एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम और जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू वन एक ही बात है। अगर ये हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है, दूसरा रिजल्ट ये बोलता है कि फाई ऑफ पी टू द पावर एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन। इसमें पी क्या है, पी इज एनी प्राइम। ठीक है, अगर कोई भी प्राइम टू द पावर कोई नंबर में अगर फाइव का वैल्यू निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मैं फाइव सिक्स का निकाला था, ये फॉर्मूला ये दो रिजल्ट यूज करके हम लोग फाइव सिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाइव सिक्स का वैल्यू क्या आया था, टू आया था। अभी देखते हैं ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइव सिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फाइव सिक्स मतलब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सिक्स का क्या होता है, थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू और थ्री और टू का जीसीडी वन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ थ्री इंटू टू, तो ये एम एन में आ गया, जीसीडी ऑफ फाइव ऑफ एम एन में आ गया। ठीक है, और जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू वन, फाइव ऑफ एम एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ एम इंटू फाइव ऑफ एन। ठीक है, फाइव ऑफ एन मतलब टू, सॉरी फाइव ऑफ टू, ये टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइव ऑफ थ्री इंटू फाइव ऑफ टू। अभी फाइव ऑफ थ्री का वैल्यू क्या होगा, ये थ्री प्राइम है तो इसको हम थ्री टू दिवर वन लिख सकते हैं, तो पी टू दिवर एन हो गया। तो पी टू दिवर एन मतलब पी टू दिवर एन माइनस पी टू दिवर एन माइनस वन, मतलब थ्री टू दिवर वन माइनस थ्री टू दिवर जीरो। ठीक है,
इंटू पी टू दिवर टू का वैल्यू क्या होगा, टू भी प्राइम है, टू दिवर वन लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा पी टू दिवर एन, मतलब टू टू दिवर वन माइनस एन माइनस वन, मतलब वन माइनस वन जीरो, तो टू टू दिवर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन, मतलब टू इंटू टू माइनस वन वन, विच इज इक्वल टू टू, टू आ गया फाइव सिक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे मान लो फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी अगर निकालने को दिया फाइव ट्वेंटी, तो फाइव ट्वेंटी का वैल्यू क्या होगा, फाइव ट्वेंटी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ट्वेंटी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ट्वेंटी इक्वल टू फाइव इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो ये क्या होगा फाइव इंटू टू स्क्वायर, इसको हम लोग टू स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्राइम के पावर में हमेशा ट्राई करो जो भी आए उसको प्राइम के पावर में लिखने के लिए, ठीक है। प्राइम अगर दो आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर सेम प्राइम, जैसे इसमें सेम प्राइम दो आ गया, तो इसको हम लोग प्राइम के पावर में लिखेंगे, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, तब हम ये वाला फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो फाइव ऑफ ट्वेंटी को फाइव ऑफ फाइव इंटू टू स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर पहला रिजल्ट यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ फाइव इंटू फाइव ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। तो फाइव ऑफ फाइव का वैल्यू क्या होता है, फाइव टू दिवर वन लिख सकते हैं, प्राइम टू दिवर एन, फिर ये क्या हो जाएगा फाइव टू दिवर वन माइनस फाइव टू दिवर जीरो इंटू, ये क्या हो जाएगा टू टू दिवर टू माइनस टू टू दिवर वन, ठीक है। जीरो नहीं होगा इस बार, वन होगा, क्यों, क्योंकि n माइनस वन होता है, n क्या है टू है, तो टू माइनस वन वन होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, फाइव माइनस वन, फाइव टू दिवर जीरो वन होता है, फाइव माइनस वन मतलब फोर इंटू, ये क्या हो जाएगा फोर माइनस टू टू, तो एट। तो फाइव ट्वेंटी का वैल्यू कितना होता है, एट होता है। तो ऐसे करके हम लोग फाइव का कोई भी वैल्यू निकल सकते हैं। अभी हम लोगों का मेन टॉपिक ये नहीं था, फाइव का वैल्यू निकालना नहीं था, हम लोगों का मेन टॉपिक क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइव एन इन ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम लोग फाइव एन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो देखेंगे। अभी ग्रुप थ्योरी में आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे, यूएन, ठीक है। यूएन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, यूएन में जो फाइव एन का जो एलिमेंट होता है, एक्चुअली में यूएन में वही एलिमेंट रहता है, ऑल नंबर्स लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, रिलेटिवली प्राइम टू एन, यही सब नंबर किस में रहता है, यूएन में रहता है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, यूएन का और फाइव एन में क्या रहता है, जितना भी ऐसा नंबर कितना है उसका नंबर्स हम फाइव एन में लिखते हैं। जैसे जैसे हम लोग फाइव सिक्स में क्या लिखे थे, जब फाइव सिक्स निकाले थे क्या लिखे थे, जब फाइव सिक्स निकाले थे, ये वन और फाइव नहीं था फाइव सिक्स का, फाइव सिक्स में वन और फाइव है, इसलिए इतना ऐसा कितना एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं टू, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं, ऐसा कितना एलिमेंट है उसको हम लोग फाइव सिक्स में लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि यूएन में कितना एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइव एन, ठीक है। यूएन में क्योंकि यही सारा एलिमेंट यूएन में ही रहेगा, तो यूएन में कितना एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइव एन। तो फिर हम अगर फॉर्मली लिखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ यूएन इज इक्वल टू फाइव एन, ठीक है। तो इससे हमें पहला ग्रुप थ्योरी का क्या मिल गया, अगर कोई भी एन के लिए यूएन अगर कोई ग्रुप दिया है, मान लो यू ट्वेंटी फाइव आपको दिया हुआ है, ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है बोल लिया, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल के डायरेक्ट बोल सकते हो कि 525 होगा इसका ऑर्डर, और 525 निकालना आपको आता है, 525 को आप क्या लिखोगे, 5 ऑफ 5 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू सॉरी 5 स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 25 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 20। तो ऑर्डर ऑफ यू 25 क्या होगा, 20 होगा। ऐसा कोई भी एन के लिए यूएन का ऑर्डर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फाइव एन का यूज करके। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंस इन ग्रुप थ्योरी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा एक रिजल्ट हमें पता है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में क्या कहता है कि ऑर्डर नंबर ऑफ जनरेटर्स, सॉरी नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप इज फाइव एन। अगर कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का दिया हुआ है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप आपको दिया हुआ है जिसका ऑर्डर एन है, तो आप क्या बोल सकते हो उसका नंबर ऑफ जनरेटर कितना होगा, हमेशा फाइव एन होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको अगर दिया हुआ है, जैसे हमें पता क्या पता है कि जेड एन हमेशा साइक्लिक होता है, और दूसरा रिजल्ट हमें ग्रुप थ्योरी में क्या पता है, जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। तो जेड एन अगर साइक्लिक है, आपको मान लो आपको बोला कि नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने को जेड, मान लो एट का, जेड एट का नंबर ऑफ जनरेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जेड एट, ठीक है।
तो आप लोग क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट क्या कितना होगा नंबर ऑफ जनरेटर्स जेडेड का, पहले तो जेडेड का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ जेडेड, जेडेड का ऑर्डर हमेशा एन ही होता है, तो जेडेड का ऑर्डर कितना होगा, एट होगा, तो ऑर्डर अगर एन है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होता है, फाइव एन होता है, तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा, फाइव ऑफ एन, व्हिच इज इक्वल टू फाइव ऑफ एट। फाइव ऑफ एट हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो एट का प्राइम फैक्टराइजेशन देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, टू इंटू टू इंटू टू, व्हिच इज इक्वल टू टू क्यूब, प्राइम के पावर में है, तो हम क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ टू क्यूब। तो दूसरा रिजल्ट हम लोग जो दूसरा एकदम पहले जो दो दो रिजल्ट लिखा था वो उसका सेकंड वाला रिजल्ट यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, टू टू द पावर थ्री माइनस टू टू द पावर थ्री माइनस वन मतलब टू, विच इज इक्वल टू एट माइनस फोर विच इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो जेडेड में नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होगा, फोर होगा। तो ऐसे करके हम फाइव एन का यूज करके ग्रुप थ्योरी का बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही दो टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।